तो केजी क्लास आज मैं अपनी बुक का पेज नंबर 41 ओपन करें। इस पेज पे कलर द पिक्चर, सबसे पहले इन पिक्चर्स को कलर करना है, देन आफ्टर हमने राइट करना है जो उन्होंने हमें वर्ड दिया हुआ है। वर्ड कौन सा उन्होंने हमें दिया है, लेटर कौन सा है, एच, एच लेटर है, एच, ठीक है, एच। तो नेक्स्ट क्लास आप मुझे बताएं कि एच की साउंड क्या होती है। एच की साउंड होती है, एच की साउंड क्या होती है, और एच है हैमर, एच हैमर, ठीक है, एच है हैमर, एच है हॉर्स, एच है हैट या हाउस, एच है हैट, ओके। अब आपने इनमें कलर्स करने हैं, और हम इनको पहले इन्होंने हमें डॉट्स पे भी दिया हुआ है और विदाउट्स भी डॉट्स हमें उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे लिखना है। पहले हम डॉट्स पे लिखेंगे, तो हम पहले डॉट्स पे एच आपको लिखना सिखाऊंगी कैसे लिखना है। पहले तीन लाइनों पे हमने सीधी लाइन लगानी है, पहली तीन लाइनों पे, ठीक है। फिर दूसरी लाइन से हमने इसको नीचे को ले गया ना, ये क्या बन जाएगा, एच, और ये है छोटी ए बी सी कैच, ठीक है। एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, पहले सीधी लाइन लगानी है तीन लाइनों पे, दूसरी लाइन से हमने इसको नीचे ले आना है। पहले हमने पहली तीन लाइनों पे सीधी लाइन लगानी है, पहली तीन लाइनों पे सीधी लाइन लगानी है, और दूसरी लाइन से हमने इसको ऐसे ले आना है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एच। अब हम पहले डॉट्स पे किया है, अब हम विदाउट डॉट्स, पहले तीन लाइनों पे हमने सीधी लाइन लगाई, दूसरी लाइन से हमने इसको नीचे ले आना है, ये क्या बन जाएगा, एच। एक दफ़ा फिर से, पहले सीधी लाइन लगानी है, पहले तीन लाइनों पे मैं से उसको नीचे ले आना है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एच। ऐसे ही आपने ये जो सी उन्होंने हमें खाली रॉ दी हुई है और उसमें बॉक्स बना के दिए हुए हैं, वैसे ही आपने अब ये सारा एच इस लाइन पे लिखना है, ओके। अब उन्होंने हमें कैपिटल लेटर्स का एच लिखना सिखाया है। पहले तीन लाइनों पे एक सीधी लाइन लगानी है, फिर तीन लाइनों पे एक सीधी लाइन लगानी है, और फिर दरमियान में एक तीसरी लाइन से दूसरी लाइन से लाइन लगा देनी है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एच। एक दफ़ा फिर से ट्राई करते हैं, पहले सीधी लाइन लगाई, फिर एक सीधी लाइन लगाई, और फिर दरमियान वाली जो लाइन होती है उसको में से एक सीधी लाइन लगा दी, ठीक है। एक दफ़ा फिर से, पहले एक सीधी लाइन लगानी है, फिर एक सीधी लाइन लगानी है, और दरमियान वाली लाइन से ये क्या हो जाएगा, एच। एच है हम हैमर, एच है हॉर्स, एच है हाउस या हट, एच है हैट, ओके। क्या लिख रहे हैं हम, एच। पहले हमने एक सीधी लाइन लगानी है, फिर दूसरी सीधी लाइन लगानी है, दरमियान से एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। एक दफ़ा फिर से मैं आपको लिखना सिखाती हूँ, पहले तीन लाइनों पे एक सीधी लाइन लगानी है, फिर तीन लाइनों पे एक सीधी लाइन लगानी है, और दरमियान से हमने इसको सीधा कर देना, ठीक है। ये हमने एच, जैसे ही हमने स्मॉल लेटर्स का एच लिखना है, वैसे ही हमने कैपिटल लेटर्स का भी एच लिखना है, ठीक है। अब उन्होंने स्मॉल लेटर्स का एच और कैपिटल लेटर्स का एच दोनों को इकट्ठा मिला के लिखा है, तो हम भी ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। पहले सीधी लाइन लगानी है, फिर एक सीधी लाइन लगानी है, फिर दरमियान में से एक लाइन लगानी, कैपिटल लेटर का एच हो गया। पहले तीन लाइनों पे एक सीधी लाइन लगानी है, फिर दूसरी लाइन से इसको नीचे ले आना, ये स्मॉल लेटर्स का एच हो गया। अब हम ब्लैंक बॉक्स में लिख के बताती हूँ। पहले सीधी लाइन ने एक लगाई तीन लाइनों पे, फिर एक सीधी लाइन लगानी है तीन लाइनों पे, और दरमियान में से एक सीधी लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये कैपिटल लेटर्स का एच हो गया। अब स्मॉल लेटर्स का, पहले तीन लाइनों पे सीधी लाइन लगानी है, फिर दूसरी लाइन से हमने इसको नीचे ले आना, ठीक है। अब आपने पेज नंबर 41, पहले आपने इन पिक्चर्स में कलर करने हैं, और फिर आफ्टर आपने इसके इसको राइट करना है, ओके। अब हमने पेज नंबर 42 ओपन करना है। उन्होंने हमें दिया है मैच द लेटर टू द ऑब्जेक्ट, जो उनसे हमें उन्होंने लेटर दिए हुए हैं उनको हमने ऑब्जेक्ट के साथ मैच करना है। कौन सा लेटर, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा लेटर से कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। उन्होंने हमें कैपिटल लेटर्स के भी कैपिटल लेटर्स भी दिए हुए हैं और स्मॉल लेटर्स भी दिए हुए हैं, इन दोनों को हमने इन ऑब्जेक्ट के साथ मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास है सी, सी, सी से क्या बनता है, कप, सी से क्या बनता है, कप, हमने इसको ऐसे मैच कर देना है, और यहाँ पे सी या, ठीक है। उसके बाद है ई, ई से क्या बनता है, ई से एग,
ठीक है। अब छोट स्मॉल लेटर्स का ई, ये ऐसे, ठीक है। अब ए, ए से क्या बनता है, एप्पल, ठीक है। और स्मॉल लेटर्स का एप्पल ए, वेरी गुड। अब एच, एच से क्या बनता है, हाउस। स्मॉल लेटर्स का एच क्या बनता है, हाउस। इसके बाद क्या है, एफ, एफ से क्या बनता है, फिश। स्मॉल लेटर्स का एफ क्या बनता है, फिश। ओके, अब हम मैंने आपको वर्कबुक का पेज नंबर 41 और 42 करवाया है, आपने भी इसे करना है। और इसके बाद आपने अपनी बुक की रीडिंग स्टार्ट करनी है, तो अपनी बुक्स ओपन करें। अब आप लोग अपनी बुक की रीडिंग करवाऊंगी, अपनी बुक का पेज नंबर 8 ओपन करें। सबसे पहले हम एक, हमारे पास कौन सा लेटर है, ई। ई के साथ, ई की साउंड क्या होती है, ई की साउंड होती है ए। ई की साउंड क्या होती है, ए। ई ए इंजन, ई ए ईगल, ई ए एग। ई एन जी आई एन ई इंजन, ई ए जी एल ई ईगल, ई डबल जी एग। ई ए इंजन, ई ए ईगल, ई ए एग, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, ई ए इंजन, ई ए ईगल, ई ए एग। अब उन्होंने हमें नीचे ई राइट करना सिखाया है डॉट्स के ऊपर, स्मॉल लेटर्स का ई भी और कैपिटल लेटर्स का ई भी। इससे पहले उन्होंने हमें जस्ट स्मॉल कैपिटल लेटर्स के वर्ड्स दिए हुए थे ट्रेस करके, यानी कि डॉट्स के ऊपर। अब उन्होंने ई से उन्होंने दोनों लेटर्स स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने। पहले तीन लाइनों पे हमने सीधी लाइन लगानी है, फिर एक इस इधर को, पहली लाइन पे इधर को, दूसरी लाइन पे इधर को, और तीसरी लाइन पे इधर को, ठीक है। इसके बाद हमने एक पहले सर्कल करना है, हाफ सर्कल दरमियान वाली दो लाइनों पे, ठीक है। फिर दरमियान वाली लाइन से इसको अंदर को ले जाना, ये क्या बन जाएगा, ई। ई ए ईगल, ई ए इंजन, ई ए ईगल, ई ए एग। ओके, फिर से रिपीट करते हैं, ई ए इंजन, ई ए ईगल, ई ए एग, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, ई ए इंजन, ई ए ईगल, ई ए एग। साथ में आपने इसको याद करना है और साथ साथ आपने इसको राइट करना है, ठीक है, पेज नंबर 8। अब आ रही है पेज नंबर 9 की, ठीक है। पेज नंबर 19 में आप मुझे सबसे पहले बताएं कौन सा लेटर है, लेटर एफ। शाबाश, लेटर एफ की साउंड क्या होती है, लेटर एफ की साउंड क्या होती है, क्या साउंड होती है, ठीक है। एफ फाउंटेन, एफ फाउंटेन, एफ फाउंटेन। नेक्स्ट क्या है, एफ फैन, एफ फैन, एफ फैन। एफ फ्रूट, एफ फ्रूट, एफ फाउंटेन, एफ फैन, एफ फ्रूट। एफ ओ यू एन टी ए आई एन फाउंटेन, एफ ए एन फैन, एफ आर यू आई टी एस फ्रूट। एफ फाउंटेन, एफ फैन, एफ फ्रूट। अब जैसे उन्होंने हमें पहले ई के डॉट्स लगा के दिए हुए थे कैपिटल लेटर्स के भी और स्मॉल लेटर्स के भी, ऐसे ही उन्होंने हमें एफ के भी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों के डॉट्स लगा के दिए। जैसे हमने ई राइट किया है वैसे ही हमने एफ राइट करना है। पहले हमने पहली तीन लाइनों पे एक लाइन लगानी है, फिर पहली लाइन पे एक लाइन और दूसरी लाइन पे एक लाइन, ये क्या बन जाएगा, एफ। ई के हमने तीनों लाइंस पे एक एक लाइन लगानी है और एफ के हमने दो लाइंस पे, ठीक है। पहले हमने एक सीधी लाइन लगानी है, थोड़ा सा उसको ऐसे बेंड कर देना है और ये क्या बन जाएगा, एफ, स्मॉल लेटर्स का एफ, ठीक है। फिर से लिखते हैं, क्या लिख रही हूँ मैं, एफ, क्या लिख रही हूँ, एफ। क्या है ये, एफ, एफ फॉर फाउंटेन, एफ फैन, एफ फ्रूट, ठीक है। अब आपने इनको लिखना है,
और जब आपने लिखना है साथ साथ में आपने इसको याद भी करना है। ओके, एक दफ़ा फिर से रिपीट करते हैं। ई ए इंजन, ई ए ईगल, ई ए एग, ठीक है। एफ फाउंटेन, एफ फैन, एफ फ्रूट।